हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो ओलंपिक की एनालिसिस के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में ना हम एनालिसिस करने वाले हैं आर्चरी एंड टेबल टेनिस के बारे में, दो ऐसे स्पोर्ट्स जो हमारे जो उम्मीदें हैं बहुत ही ज़्यादा रहते हैं कि क्या हम मेडल जीतेंगे, बट अभी तक भी हमने इस पर मेडल नहीं जीता है। तो क्या हम 2024 की पेरिस ओलंपिक में मेडल जीत सकते हैं? तो आज की वीडियो इसके ऊपर ही बात करेंगे। तो पहले आर्चरी के ऊपर डिटेल्सली बात करते हैं, क्या कुछ है एंड क्या कुछ नहीं है, एवरी सिंगल पॉसिबिलिटीज के ऊपर बात करूंगा। होप करूंगा जो मेहनत मेरा है ना, आपको वो पसंद आएगा, वीडियो देखने में बहुत ही अच्छा भी लगेगा। तो आर्चरी में टोटल 5 इवेंट्स हैं, मेंस इंडिविजुअल्स, मेंस टीम, वुमेन्स इंडिविजुअल, वुमेन्स टीम एंड मिक्स टीम। इट्स मीन्स दैट की टोटल 5 गोल्ड मेडल के लिए लड़ाई होंगे, मतलब 5 गोल्ड, 5 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज, टोटल 15 मेडल है। तो आर्चरी के इवेंट स्टार्ट होंगे 30 जुलाई से एंड जो फाइनल्स वगैरह है तो अगस्त 1 या फिर 4 अगस्त को है। तो वो मैं आपको फ्यूचर की मैं बता दूंगा, जो डे 1 डे 2 की सीरीज में मैं बता दूंगा। तो पहले हम बात करते हैं मेंस इंडिविजुअल के बारे में। मेंस इंडिविजुअल में हमारे 3 इंडियन एथलीट्स है जो रिप्रेजेंट करते हुए नजर आएंगे, धीरज बोम्मा देवरा, देन हमारी प्रवीण एंड तरुणदीप राय में नजर आएंगे। फर्स्ट बात करते हैं धीरज की। धीरज ने जो क्वालिफिकेशन राउंड हुआ था इसमें 4th पोजीशन ओवरऑल फिनिश किया था। धीरज की जो फर्स्ट मैच है राउंड ऑफ 64 की, वो है अगेंस्ट चेक रिपब्लिक। तो ऑब्वियसली ये मैच जो है ना, वो धीरज के लिए बहुत ही ईजी हो सकता है एंड आशा करूँगा ये मैच धीरज जीतेंगे चेक रिपब्लिक से। देन अगर धीरज राउंड ऑफ 64 जीतते हैं तो राउंड ऑफ 32 प्रोबेबल हो सकता है कजाकिस्तान और कैनेडा से। दोनों ही मेरे हिसाब से जो भी टीम आएंगे धीरज आसानी से हरा सकते हैं। कजाकिस्तान की जो ओपोनेंट है कनाडा से थोड़ा टफ है, तो मुझे लगता है गाइस इंडिया वर्सेस कजाकिस्तान हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये मैच भी धीरज आसानी से जीत सकते हैं। देन राउंड ऑफ 16 की बात करें तो राउंड ऑफ 16 में धीरज की जो ओपोनेंट है वो थोड़ा टफ होने वाला है, बिकॉज इटली की जो एम नेस्पाली है वो हमें नजर आ सकते हैं। अगर आपको एन नेस्पाली के बारे में नहीं पता ना, तो लास्ट एडिशन जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था ना, इसमें वो सिल्वर मेडलिस्ट भी थे। सो उनके साथ हमारे मैच हो सकते हैं राउंड ऑफ 16 की। अगर हम ये मैच मानो कि राउंड ऑफ 16 भी जीतते, देखो रिसेंट जो फॉर्म है वो धीरज की बहुत ही अच्छे है एज कम्पेयर टू इटली की प्लेयर, देन अगर हम इसको भी जीतते देन हम क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे। एंड क्वार्टर फाइनल में मोस्ट प्रोबेबल चांस जो है ना वो साउथ कोरिया के अगेंस्ट हो सकते हैं, जो ली WS है उनके अगेंस्ट हो सकते हैं। अगर आपको उनके बारे में नहीं पता ना, एशियन गेम्स में ली जो है उन्होंने मिक्स टीम में एंड मेंस टीम में गोल्ड मेडल जीता था। सो मुझे नहीं लगता कि इससे आगे हम जा सकते हैं। अगर अपसेट होते हैं तो हम सेमीफाइनल खेल सकते हैं, बट दैट इज द धीरज की जो चांसेस है। देन तरुणदीप राय की अगर हम बात करें, तरुणदीप राय की जो फर्स्ट मैच है राउंड ऑफ 64 में वो है अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन की जो प्लेयर है टॉम हॉल के अगेंस्ट है। अगर एंड मेरे हिसाब से ये मैच तो तरुणदीप राय जीतेंगे अगर कोई अनसुनी ना होता है। देन राउंड ऑफ 32 के मैच हो सकते हैं मेरे हिसाब से फ्रांस के अगेंस्ट हो सकते हैं एंड जो जीन चार्ल्स है ना उनके अगेंस्ट हो सकते हैं। जीन चार्ल्स के बारे में आपको नहीं पता, 2016 के रियो ओलंपिक में ना जीन चार्ल्स सिल्वर मेडलिस्ट भी थे, तो उनके अगेंस्ट हो सकते हैं। अगर वो मैच भी हम जीतते तो राउंड ऑफ 16 हो सकते हैं अगेंस्ट जर्मनी से, जो रिसेंटली जो उनकी प्लेयर है ना वो यूरोपियन गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट भी है। तो यस, ये कुछ बात है। एंड तरुणदीप राय की जो नेक्स्ट मैच होंगे अगर राउंड ऑफ 16 भी जीतते तो क्वार्टर फाइनल मैच ईजी होंगे, बट जो राउंड ऑफ 32 एंड 16 वाला मैच है ना वो बहुत ही टफ होंगे। अगर वो दो मैच जीतते वो क्वार्टर फाइनल भी जीत सकते हैं। तो ये कुछ है। देन अगर बात करें प्रवीण यादव की जो फर्स्ट मैच ही है अगेंस्ट चाइना से, एंड मुझे लगता है इस पे ना हम अर्ली एग्जिट भी ले सकते हैं, बिकॉज चाइना जो है ना मानता हूँ वो आर्चरी में इतना ज़्यादा नहीं है, बट बात करें ओलंपिक्स के टाइम पे ना चाइना एक बीस्ट टीम बन जाता है। तो इसमें चाइना डेफिनेटली इंडिया को हरा सकते हैं। अगर इंडिया जीतते हैं तो इंडिया की प्रवीण की नेक्स्ट मैच हो सकते हैं राउंड ऑफ 32 में बी एलिसन के साथ। अगर आपको बी एलिसन के बारे में नहीं बताना तो आप आर्चरी के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। बी एलिसन करेंटली वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। तो देखो राउंड ऑफ 32 से हमें अर्ली एग्जिट मिल सकता है। अगर तीनों में से ना मैं अगर बोलूँ, मेरे जो मैंने जितना देखा है तीनों में से मेरे जो फेवरेट है ओब्वियसली धीरज है, बट जो प्लेयर है जो अपसेट कर सकते हैं दैट इज प्रवीण। प्रवीण बहुत टाइम इंडिया को एक्सट्रीमली परफॉर्मेंस करते हैं, मतलब जब इंडिया की मतलब बहुत ही लो होता है, मतलब जब एरो शूट करते हैं बहुत ही लो होता है, प्रवीण का जो कॉन्सिस्टेंसी लेवल है बहुत अच्छा होता है। बट इस क्वालिफिकेशन राउंड में इतना अच्छा नहीं था, बट मुझे प्रवीण से उम्मीदें हैं कि प्रवीण ही एक ऐसा प्लेयर है जो अपसेट कर सकते। तो बात करें कि हम इंडिविजुअल इवेंट में एक मेडल जीत सकते हैं, देखो चांसेस बहुत ही लिमिटेड है।
एंड अगर दो इंडियन सेमीफाइनल के लिए जा सकते हैं ना देन डेफिनेटली, अदरवाइज तो नहीं। बट अब निराशा मत होना कि मेंस टीम में हम मेडल इस बार जीत सकते हैं। जो क्वालिफिकेशन राउंड हुआ ना इसमें हमने टॉप थ्री फिनिश किया था, जिसकी वजह से जो फर्स्ट राउंड है प्रिलिमिनरी राउंड है उसको हमको खेलना भी नहीं पड़ेगा। हम डायरेक्टली क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। हमारा जो फर्स्ट मैच है वो हो सकता है अगेंस्ट टर्की या फिर कोलंबिया। क्वार्टर फाइनल मैच की बात करें तो देखो मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि कोलंबिया से मुझे टर्की ज़्यादा स्ट्रांग लगता है, तो इंडिया वर्सेस टर्की की फर्स्ट मैच हो सकते हैं क्वार्टर फाइनल की। देन अगर टर्की को हम हरा देना, जो मुझे लगता है हरा भी देंगे, हमारे जो नेक्स्ट मैच है सेमीफाइनल की वो हो सकते हैं फ्रांस के अगेंस्ट। एंड ये भी देखो पूरा ईजी है एज कम्पेयर टू साउथ कोरिया से, तो अच्छा है कि नेक्स्ट मैच फ्रांस के अगेंस्ट हो सकते हैं। एंड फ्रांस की अगर बात करें देखो स्ट्रॉन्ग टीम है, मतलब उनको होम सपोर्ट पे मिलेंगे। देन क्वालिफिकेशन राउंड में भी ना फ्रांस ने हमसे 12 पॉइंट ज़्यादा स्कोर किया था, तो हमको ओनली दो टीम हराना होगा फाइनल को जाने के लिए। अगर हम फर्स्ट राउंड में क्वार्टर फाइनल में टर्की को हरा दे देन सेमी फाइनल में फ्रांस को हरा दे, जो फ्रांस होम सपोर्ट तो बिल्कुल मिलेगा, बट इनको हम हरा दें ना गाइस तो हमारे फाइनल कोरिया के अगेंस्ट हो सकते हैं। तो दैट इज़ ह्यूज कि हम इस बार, मुझे लगता है गाइस कि हम अगर हम सेमीफाइनल में जाते हैं ना तो हम एटलीस्ट एक ब्रॉन्ज मेडल के लिए तो एटलीस्ट खेल सकते हैं। दैट इज़ माय प्रोबेबिलिटी लगता है। देन वुमेन्स इंडिविजुअल की बात करें, वुमेन्स इंडिविजुअल में भी हमारे तीन एथलीट्स हैं जो रिप्रेजेंट करेंगे, अंकिता भगत, वजन कौर एंड दीपिका कुमारी। फर्स्ट बात करते हैं अंकिता भगत की। राउंड ऑफ 64 में उनकी जो मैच है वो हो सकते हैं पोलैंड के अगेंस्ट। देन भजन कौर की अगर बात करें, उनकी भी जो राउंड ऑफ 64 की जो मैच हो सकते हैं वो हो सकते हैं इंडोनेशिया के प्लेयर के अगेंस्ट। अगर दोनों ही अपनी मैचेस जीतते हैं ना तो राउंड ऑफ 32 में वो आपस में ही मैच खेलेंगे इंडिया वर्सेस इंडिया, तो ऑब्वियसली एक टीम तो राउंड ऑफ 60 में एटलीस्ट जाएंगे। सो इसके बाद ना इंडिया की मैच हो सकते हैं इंडोनेशिया के अगेंस्ट राउंड ऑफ 16 में। एंड इंडोनेशिया के जो प्लेयर है ना बहुत अभी करेंटली अच्छी फॉर्म में चल रहा है, तो मुझे तो नहीं लगता कि हम 16 में जीत सकते हैं। अगर हम जीत सकते हैं ना 16 में राउंड ऑफ 16 में, देन हमारी क्वार्टर फाइनल मैच हो सकते हैं चाइना की यंग से। एंड दैट इज़ द टाइम कि इसमें हम डेफिनेटली हार जाएंगे, क्योंकि चाइना की जो यंग है रिसेंटली बहुत ही अच्छी फॉर्म में है, देन बहुत ही शानदार प्लेयर भी है एज़ कम्पेयर टू इंडियन प्लेयर्स की बात करें तो ज़्यादा रियलिस्टिकली पॉसिबल चांस है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वार्टर फाइनल तक जा सकते हैं। देन दीपिका कुमारी की बात करें, दीपिका कुमारी के जो फर्स्ट मैच है वो है अगेंस्ट इस्टोनिया। डेफिनेटली दीपिका कुमारी वो मैच जीतेंगे। देन राउंड ऑफ 32 में ना उनकी मैच हो सकते हैं नीदरलैंड्स के अगेंस्ट। देन राउंड ऑफ 16 में उनकी मैच हो सकते हैं जर्मनी के अगेंस्ट। देन क्वार्टर फाइनल में उनकी मैच हो सकते हैं कोरिया के अगेंस्ट, तो ये भी कोरिया फिर है। एंड इसमें भी हम शायद इससे आगे नहीं जा पाएंगे रियलिस्टिकली बात करें तो। निराश मत होना कि मेडल होप्स की बात करें तो देखो इंडिविजुअल इवेंट्स पर शायद इतना नहीं है एज कम्पेयर टू मैंस इवेंट, बट टीम इवेंट पे थोड़ा एक चांस है। रिसेंटली जो क्वालिफिकेशन राउंड हुआ था ना इसमें हमारी वुमेन्स टीम ने भी फोर्थ पोजीशन फिनिश किया था, एंड उनको भी प्रिलिमिनरी जो राउंड है फर्स्ट राउंड उनको खेलना नहीं पड़ेगा, वो डायरेक्टली क्वालिफाई कर लिया है सेकंड राउंड के लिए। इंडिया की जो फर्स्ट मैच है वो हो सकता है इंडिया वर्सेस फ्रांस या फिर नीदरलैंड के अगेंस्ट, तो फ्रांस की प्रोबेबल चांस है फ्रांस के अगेंस्ट ही हो सकता है। एंड डेफिनेटली मेरे हिसाब से ये मैच इंडिया जरूर जीतेंगे अगेंस्ट फ्रांस के अगेंस्ट। तो क्वार्टर फाइनल में मैं चाहता हूँ इंडिया फ्रांस को हरा दे। देन सेमी फाइनल मैच था इंडिया के लिए थोड़ा मतलब थोड़ा टफ है, बिकॉज वो कोरिया के अगेंस्ट है। एंड कोरिया की जो लास्ट ओलंपिक्स में जो परफॉर्मेंस है ना वो बहुत ही एक्सपोनेंशियल है, तो कोरिया को हराना बहुत ही मुश्किल होगा। बिकॉज क्वालिफिकेशन राउंड में अभी अगर देखोगे ना तो साउथ कोरिया ने टोटल 123 टेनिस शूट किया था, दूसरी ओर इंडिया ने ओनली 83, तो बहुत ही ह्यूज डिफरेंस है। एंड अगर कोई अपसेट होता है तो अच्छा ही होता होंगे, अदरवाइज हम ब्रॉन्ज मेडल मैच खेले तो जा सकते हैं। एंड ब्रॉन्ज मेडल मैच मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि चाइना के अगेंस्ट हो सकते हैं, तो इस पर डेफिनेटली मुझे लगता है गाइस कि एटलीस्ट हम एक ब्रॉन्ज मेडल के लिए जा सकते हैं। तो यस, मेंस टीम्स एंड वुमेन्स टीम्स से मुझे बहुत ही उम्मीदें हैं। इसके बाद मिक्स टीम की बात करें तो मिक्स टीम में भी थोड़ा बहुत चांस है, जो हमारी धीराज एंड अंकिता है वो हमें नजर आएंगे। तो फर्स्ट जो राउंड ऑफ 16 की मैच है ना वो इंडोनेशिया के अगेंस्ट होंगे। देन अगर इस मैच को हम जीतते हैं देन क्वार्टर फाइनल की मैच मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि चाइना के अगेंस्ट हो सकते हैं। ओनली सेमीफाइनल जो मैच है वो ही ओनली कोरिया के अगेंस्ट होंगे। तो यस, ये कुछ बात है। एंड देखो कोरिया को मिक्स इवेंट में हराना ना बहुत ही इम्पॉसिबल सा चीज़ है मेरे हिसाब से, बिकॉज मैंने लास्ट ओलंपिक्स को भी देखा था, रिसेंट परफॉर्मेंस को भी देखा था, कोरिया मिक्स में स्पेशली बहुत अच्छा है। एंड अगर अपसेट होता है तो ऑब्वियसली हम जीत जाएंगे, एक तो मेडल इधर से भी आ सकते हैं, तो देट इज़ द रियलिस्टिकली पॉसिबल है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा दो मेडल की होप तो रखता हूँ आर्चरी से, एक ब्रॉन्ज मेडल भी आता है ना मैं बहुत ही खुश हो जाऊँगा गाइस। ओके, प्लेयर्स को ब्लेम मत करना, देट इज़ ओलंपिक, वर्ल्ड वाइड से प्लेयर आके खेलते हैं, एंड होप ज़्यादा रखना।
देन टेबल टेनिस की बात करें, बहुत ही शॉर्टली मैं कवर करूँगा। देखो मेंस इंडिविजुअल्स से जो शरद कमल है उनके अगर चांसेस की बात करें तो इतना ज़्यादा तो नहीं है, बट हम राउंड ऑफ 16 के लिए एटलीस्ट जा सकते हैं। देन वुमेंस इंडिविजुअल से मुझे ज़्यादा उम्मीदें नहीं है। देन ओनली दो ही फॉर्मेट रचा हुआ है, मेंस टीम एंड वुमेंस टीम। तो मेंस टीम से मुझे उम्मीद था कि हम एटलीस्ट क्वार्टर फाइनल के लिए तो जा सकते थे, बट उनकी जो फर्स्ट मैच ही हुआ है ना गाइस, फर्स्ट मैच चाइना के अगेंस्ट है एंड चाइना टेबल टेनिस में नंबर वन टीम है। जैसे साउथ कोरिया आर्चरी में डोमिनेट करता है, वैसे टेबल टेनिस में चाइना डोमिनेट करता है। तो हमारे फर्स्ट मैच ही चाइना के अगेंस्ट है, अपसेट होता है तो अच्छा है, अदरवाइज हम अर्ली एग्जिट ले लेंगे। देन वुमेंस टीम की बात करें, वुमेंस टीम की जो राउंड ऑफ 16 है ना, मैं कह सकता हूँ कि गाइस वुमेंस टीम में मतलब एक ड्रीम सा उनको ड्रॉ मिला है। राउंड ऑफ 16 की जो मैच है वो अगेंस्ट रोमानिया, ओबियसली हमसे अच्छे रैंक की टीम है, रैंक 4 की टीम है, बट स्टिल हम रोमानिया को हरा सकते हैं। देन इसके बाद क्वार्टर फाइनल की जो मैच है ना वो हो सकते हैं जर्मनी के अगेंस्ट, जो रैंक 5 की टीम है, एंड ऑब्वियसली हम जर्मनी को भी हरा पाएंगे। देन अगर फर्स्ट टू राउंड हम जीतते हैं ना, देन सेमीफाइनल हो सकते हैं जापान के अगेंस्ट, जो जापान बहुत ही टफ ओपोनेंट है, रैंक 2 की टीम है। देन अगर उनको हरा देंगे ना, देन ही हम फाइनल खेल पाएंगे, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज हमें ब्रॉन्ज फाइनल के लिए जाना होगा। अगर रियलिस्टिकली बात करें ओनली वुमेंस टीम में चांसेस है, अदरवाइज बाकी में इतना ज़्यादा चांसेस नहीं है। तो दैट इज़ द टोटल समरी ऑफ दिस थिंग। तो आपको क्या लगता है? तो मेरे हिसाब से मैं टेबल टेनिस और आर्चरी को मिला दूँ ना, एक मेडल ये एटलीस्ट आ सकते हैं गाइस, एंड डेफिनेटली एक मेडल, ऐसा मत बोलना कि बहुत ही कम है, बट फिर भी एक मेडल इनसे आना, मैंने काउंट भी नहीं किया था, तो एक मेडल ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो ऐसा कुछ बातें हैं। तो आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में बताना, मिलते हैं फ्यूचर के एक और वीडियो में।